आज हम समझते हैं ब्रह्मा दिन का एक दिन कितना होता है और 100 ईयर्स कितने होते हैं। नॉर्मली हमारे 100 ईयर्स कैसे काउंट करते हैं, एक दिन इज इक्वल टू 24 आवर्स, फिर 24 आवर्स को जब आप करोगे वीक्स आएंगे 52 वीक्स, उससे करके ईयर्स आ जाएंगे 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर एंड 100 ईयर्स, और उससे पहले ह्यूमन बींग खत्म हो जाता है। ये हो गया आपका ह्यूमन बींग का नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स जो होता है वो अर्थ के बेसिस पर कंप्यूट होता है। अब ब्रह्मा दिन का जो 100 ईयर्स है वो बहुत क्वाइट डिफरेंट है। अगर आप देखोगे हमारे 4 युग होते हैं, एक आपका सतयुग होता है, एक द्वापर युग होता है, एक आपका त्रेता युग होता है, एक कलयुग होता है। तो सतयुग में जो आपका पीरियड होता था वो 17,28,000 ईयर्स होते थे, इतने साल वो चलता था वो युग। त्रेता युग कितने साल चलता था, 12 ईयर्स 96,000 ईयर्स वो चलते थे। फिर द्वापर युग जो था वो कितने साल चला, वो 8,64,000 ईयर्स चला। कलयुग कितने साल चला, 4,32,000 ईयर्स चला। अभी तक कलयुग कितना हो चुका, 5,000 एक्सपायर हो चुका फ्रॉम द कुरुक्षेत्र वॉर डेट। उसके बाद रिमेनिंग कलयुग अभी भी पेंडिंग है। इन सबको जब मैं मिलाता हूँ तो 43,20,000 रुपीज़ का एक गणित आता है, विच इज कॉल्ड 1 चतुर्युग। एक चतुर्युग, वो चतुर्युग 71 बारी मूव होता है, 71 टाइम्स, उसे कहते हैं 1 मन मंत्र। ये 1 मन मंत्र 14 टाइम मूव होता है, वो ऐसे रोटेट होता है। उसके बेसिस पर एक ब्रह्मा दिन का कंप्यूट होता है, विच इज इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ अ डे। सेम नाइट कंप्यूट होता है, सेम उस पर, तब जाके एक दिन कंप्लीट होता है। उसको फिर 30 दिन, 365 दिन एंड ऐसे 100 ईयर्स चलता है। तो नॉर्मली अगर देखोगे प्राइमर फेस से, इट इज ए इन्फिनाइट ईयर टिल ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी एंड ही इज बाउंड टू डाई। तो ब्रह्मा जी कभी भी ऐसा विदान नहीं दे सकते जो कि वो अमर हो, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं की मृत्यु हो जाएगी आफ्टर 100 ईयर्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हर की मृत्यु है, इंसान की मृत्यु है, जानवर की मृत्यु है, इवन देवी देवता भी परमानेंट नहीं है, उनकी भी मृत्यु होती है। और जो फर्स्ट लिविंग एंटिटी थे, जो सबसे उच्च श्रेणी के लॉर्ड थे ब्रह्मा जी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है 100 ईयर्स। सिर्फ एक कृष्ण भगवान है जिनकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्म समिति में लिखा हुआ है, ईश्वरा प्रमा शिक्षा सचित आनंद विक्रे अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। हर के कारण कृष्णा है, सचित आनंद है, और आपका कोई उनका कोई कॉज नहीं है, और वो स्वयं भगवान है, वो खुद ही अपने कारण है। हरे कृष्णा। आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो।